दोस्तों, क्या आप इन अक्षरों को पढ़ सकते हैं और क्या इन्हें? अगर नहीं तो अब मैं आपको इन्हें देवनागरी के संकेत चिन्हों के साथ दिखाता हूँ और अब आप इनको पढ़ सकते हैं। ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर है और ब्राह्मी लिपि हमारे देश की सबसे प्राचीन लिपि है जिसे पढ़ा जा चुका है। ब्राह्मी लिपि से भी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ पाना इतना आसान नहीं था। विभिन्न शिलालेख, स्तंभालेख तथा गुहालेखों पर उत्कीर्ण होने के बावजूद भी इसे हजारों सालों तक कोई भी नहीं पढ़ पाया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हमारे ही देश की लिपि होने के बावजूद भी हम इसे कैसे भूल गए और फिर हजारों सालों के बाद हमने इसको कैसे पढ़ा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से भरे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज से लगभग 2300 साल पहले भारत पर एक ऐसे सम्राट का शासन था जिनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के समूचे भूभाग पर फैला हुआ था। उनकी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी और वे अपने धम्म से जुड़े उच्चतम मानवीय विचारों को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न शिलालेखों, स्तंभालेखों और गुहालेखों के माध्यम से अपने विचारों को देश के कोने कोने में प्रसारित करने का कार्य किया। सालों तक उनके ये विचार कई पीढ़ियों को प्रभावित करते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई भाषाएं और नई लिपियों का उद्भव होने के कारण अभिलेखों पर लिखी गई वो प्राचीन लिपि दैनंदिन व्यवहार से कालबाह्य होने लगी और फिर उन अभिलेखों को पढ़ना बेहद ही मुश्किल होने लगा। हजारों सालों के बाद तो स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि पत्थर पर उत्कीर्ण वो प्राचीन अभिलेख चिन्ह मात्र बनकर रह गए। अब उन्हें पढ़ पाना और उनका अर्थ समझना मानो असंभव सा हो गया। इतिहास में आगे कई सारे राजनैतिक परिवर्तन हुए, लेकिन किसी ने भी उन अभिलेखों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर दिल्ली सल्तनत का दौर आया और इसमें 14वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक शासक बना। एक दिन शिकार के दौरान फिरोज शाह तुगलक को अंबाला के करीब टोपरा गांव में एक प्राचीन स्तंभ का पता चला। बारीकी से तराशे गए उस आकर्षक स्तंभ को देखने के बाद फिरोज शाह तुगलक उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस स्तंभ को काटकर फिरोजाबाद में अपने महल के ऊपर ही स्थापित कर दिया। फिर अनेकों विद्वान, भाषाविदों तथा द्विभाषिकों को बुलाकर उसने स्तंभ पर लिखे अक्षरों को पढ़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो उन अक्षरों को नहीं पढ़ पाया। आखिरकार फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, लेकिन स्तंभ पर लिखी बातों का रहस्य नहीं सुलझ पाया। ये रहस्य सुलझने में अभी कुछ सौ सालों का समय बाकी था। 18वीं शताब्दी में मुगलों और मराठों के पतन के पश्चात भारत पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसी दौरान कुछ अंग्रेज अधिकारियों को भारत के प्राचीन इतिहास में रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भारत के कोने कोने से प्राप्त होने वाले ऐतिहासिक वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें जल्द ही पता चला कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित उस स्तंभ पर जो लिपि उत्कीर्ण है, वही लिपि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले शिलालेखों, स्तंभालेखों तथा गुहालेखों पर भी उत्कीर्ण है। उसी वक्त जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने इस लिपि को पढ़ने का कार्य अपने हाथों में लिया। जेम्स प्रिंसेप को पुराने सिक्कों के माध्यम से प्राचीन अक्षरों को पढ़ने का खासा अनुभव था। उन्होंने फिरोज शाह के स्तंभ का बारीकी से निरीक्षण किया और उन्हें ये पता चला कि उस अभिलेख में एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी और वो शब्द था दानम। पाली भाषा में लिखे गए
इस शब्द से अक्षरों के उच्चार की कड़ियों को जोड़ते हुए जेम्स प्रिंसेप ने धीरे धीरे संपूर्ण लिपि के अक्षरों का अर्थबोध कर लिया। सन 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अनेकों अभिलेखों को पढ़कर ये सुनिश्चित किया कि इन अभिलेखों पर देवानाम प्रिय पियदसी अर्थात देवों के प्रिय सुंदर मुखाकृति वाले राजा ऐसी उपाधि धारण किए हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा किए गए विभिन्न दानों धम्म के उपदेशों तथा आदेशों को उत्कीर्ण किया गया है। ये अभिलेख तत्कालीन लोकभाषा पाली और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसे धम्म लिपि भी कहा जाता है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि वही लिपि है जिससे आज की देवनागरी बंगाली गुजराती जैसे कई लिपियों का निर्माण हुआ है। हालांकि जेम्स प्रिंसेप ने जब इस लिपि को पढ़ा तब इसे मौर्यकालीन लिपि या भारतीय पाली के नाम से ही संबोधित किया, लेकिन बाद में फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट अल्बर्ट टेरेन डेलकोपरी ने बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संदर्भ लेकर इस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से संबोधित किया और तब से इस लिपि को ब्राह्मी लिपि के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल में इस लिपि को वास्तव में किस नाम से जाना जाता था इसकी पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं हो पाई है। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप द्वारा किए गए सफल प्रयासों के कारण ही आज हम 2300 साल पुराने अभिलेखों को पढ़कर चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा किए गए महान कार्यों को विस्तार से समझ पा रहे हैं। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में जेम्स प्रिंसेप का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।